हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में वीडियो नंबर 48 पढ़ेंगे। इसमें आगे के एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको करने से पहले अपन एक नोट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर अनंत। 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है 2 into 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 2 into
अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम्स, अब 2 × 2 × 2 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोलोगे बहुत बड़ा नंबर, इनफाइनाइट अनंत बार बोलोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर जो मैथ में होता है क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। अनंत इसका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा ई की पावर इनफाइनाइट, e into e into e into e into e into e, कितनी बार, वो इनफाइनाइट अनंत बार। तो e की वैल्यू थी 2.7, 2.7 × 2.7 × 2.7, वही 2 की तरह, इसका भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट अनंत। ठीक है क्या, हरी बात सुन। तीसरा स्टेप समझे, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस एक्स की पावर माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, 1/(x^a) रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, नीचे जाता है, माइनस को प्लस, माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए उच्च कहा जाती है नीचे। इसका मान अभी रखा था आपने, 2 की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, अनंत, इनफाइनाइट ही होता है। अब इनफाइनाइट की वैल्यू पता है ना क्या होता है, अनंत किसको लिखते हो, 1/0 को, 1/0 को क्या लगते हो, अनंत किसको लिखते हो, बटे के नीचे बटा नीचे लगा जाएगा ऊपर, तो 1 × 0/0 = 0/1, 0/1 कुछ भी आए तो क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्या होगी, 4, ध्यान से, ऐसे e की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1/(e^(∞), माइनस को प्लस होना, e की पावर इनफाइनाइट को क्या होता है, इनफाइनाइट अनंत, 1/0 इनफाइनाइट के लिए, नीचे वाला का जाएगा ऊपर, वही 0/1 आएगा, क्या जाएगा, 0, ध्यान रखनी ये चीज़ें। पांचवा पॉइंट, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, देखो 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 × 1 कितनी बार करो क्या आएगा, 1, ठीक है, 2 की पावर इनफाइनाइट, यानी ये 2 की पावर इनफाइनाइट कितने बताया मैंने आपको, अनंत, अनंत को देखते 1/0, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, यानी देखो ये नहीं कि पावर इनफाइनाइट है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, ये भी निर्भर करता है कि अंदर, यानी इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट है ना, इसको पावर, इसको बेस क्या बोलते हैं, बेस क्या है, आधार क्या है, आधार तो अनंत है, ठीक है, पावर तो इनफाइनाइट है, लेकिन आधार क्या है, अगर आधार 1 से बड़ा होता है, जैसे ई 2, 1 से बड़ा जब भी आधार होगा और घात ई होगी तो क्या आएगा उसका, अनंत, आधार जो है, बेस जो है 1 से छोटा हो, घात अनंत हो, तो उसका उत्तर आता है 0, जैसे देखो ये, ठीक है ना, ये तो 1 से छोटा है ना, इसलिए अच्छा मान लो ये ऐसे होता 1/2 की घात -1, देखो माइनस को प्लस बनाया तो आपको करना पड़ेगा उल्टा, अंदर रेसिप्रोकल भी 2/1 पद होते तो क्या होता, उल्टा 2/1 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, यानी जब घात माइनस हो, घात माइनस हो तो हमेशा 0 आए कोई जरूरी नहीं है, निर्भर करता है कि अंदर क्या है, अगर आधार माइनस घात का अनंत है, माइनस इनफाइनाइट, और आधार 1 से बड़ा है तो 0, और आधार 1 से छोटा है तो उत्तर आ जाता है अनंत। तो इन सब का एक कंक्लूजन बना लिया अपने, ए की पावर अनंत, इसके 2 उत्तर, एक तो क्या है, ए की पावर अनंत, एक तो अनंत है, कब, जब ए का मान 1 और 1 से बड़ा हो, ठीक
ठीक है, एक से छोटा हो तो क्या होता है, एक से छोटा मॉडुलस इसका, ठीक है, माइनस माइनस नहीं मॉडुलस, धनात्मक मान की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाता है जीरो, ठीक है। देख लो, एक से छोटा हो तो ये देखो अनंत पावर हो तो जीरो, और एक से बड़ा हो यानी दो, तो उत्तर क्या आएगा अनंत। ऐसे आठवां पॉइंट हो गया ए की पावर माइनस अनंत, अब इसको उल्टा है, एक का धनात्मक मान एक से, एक या एक से बड़ा हो तो उत्तर जीरो आएगा, और एक से छोटा हो तो क्या होगा अनंत। देख लो ई की पावर किसी की पावर माइनस अनंत है, अगर वो मान एक से बड़ा है ये उत्तर जीरो, ये देखो उत्तर जीरो, और एक से छोटा है ये देखो एक बटा दो क्या अनंत, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आगे आने वाले प्रश्नों में काम में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे आप। क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ एक्स जो निम्न प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर दिस 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 दिस, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर संतत, ये फंक्शन दे दिया, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर संततता, कंटिन्यूटी चेक करनी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, वैसे तो उसने कहा है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वेरीफाई भी करना है कि है या नहीं। देखो क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एफ एक्स बराबर क्या है, ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स, और ये कितना है जीरो, एक्स बराबर है जीरो और एक्स बराबर क्या आएगा जीरो, ठीक है। आ रही के बात समझ में, ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो ध्यान से करवा लेना, ध्यान से देखो, ठीक है, क्या होगा, अपन को क्या करना है, संतत करना, तो वही दाई सीमा निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, किस पे निकालनी है जीरो पर, जीरो प्लस जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है। अब फलन क्या लेंगे, जीरो पर तो जीरो लेना बराबर नहीं है, छोटे और बड़े दोनों पर लेना है, e की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस e की पावर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू तो क्या होगा जीरो, और एक्स लेके क्या रखेंगे जीरो प्लस एच, e की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच अपॉन वन प्लस e की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, e की पावर जीरो प्लस एच मतलब कितना होगा एच, वन प्लस e की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच कितना हो जाएगा, ठीक है, एच की जगह क्या रख देंगे अपन जीरो। अब और तो सॉरी कट तो नहीं सकता है, क्या हो जाएगा ई की पावर वन अपॉन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा जीरो का वन अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट अनंतित होता है, वन प्लस ई की पावर। देखो बेटा अब ये गड़बड़ है, कैसे ई की पावर अनंत का उत्तर क्या हो जाएगा अनंत, ये अनंत प्लस अनंत अनंत बटा अनंत डायरेक्ट रूप आ गया, उसने तो कहा है अपन को प्रदर्शित करना है कि संतत होगा, कंटिन्यूस तब तभी होगा जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी दाईं सीमा अस्तित्व होगा, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अपन नहीं रख सकते, रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ई की पावर अनंत तो अनंत होता है, लेकिन ई की पावर माइनस अनंत कितना होता है जीरो, और जीरो परिभाषित होता है, तो मैं कोशिश करूंगा ई की पावर क्या बन जाए माइनस अनंत बने। अब माइनस अनंत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, डायरेक्ट रख के दिखा दिया मैंने गड़बड़ हुई, ठीक है। तो अंश और हर में, और हर में e की पावर एक बटा एच का भाग देने पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर वन अपॉन एच। देखो ऊपर डिवाइड करेंगे एच टेंस टू e की पावर वन अपॉन एच, e की पावर वन अपॉन एच डिवाइड करेंगे नीचे वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एच, ध्यान रखना तरीका प्लस e की पावर वन, फिर अंश और हर पूरे पूरे डिवाइड होंगे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को डिवाइड करना है, ये तो इससे करके क्या आ जाएगा, वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, टी ऊपर तो क्या आ गया वन, ये एक बटा है, एक बटा एक्स क्या होता है, अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूंगा तो एक्स की घात माइनस एक लिखूंगा, एक्स की पावर माइनस वन, इसको ऊपर लिखूंगा तो टी की पावर माइनस वन अपॉन एच, ये इससे कट गया एक बार प्लस, अब रख दो लिमिट, क्यों, एक बटा ई की पावर यहाँ एक माइनस एक बटा जीरो क्या हो जाएगा अनंत इनफाइनेट प्लस वन, एक बटा ई की पावर माइनस अनंत की वैल्यू कितनी जीरो प्लस वन, नीचे कितना जाएगा जीरो प्लस वन 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 अपॉन वन क्या हो जाएगा, ये आ गई राइट हैंड लिमिट, बात समझ में आई क्या, अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, ये तो राइट हैंड लिमिट आई थी, ठीक है, अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ध्यान रखना कितनी आई राइट हैंड लिमिट के बाद वन आया, वैल्यू कितनी आ गई वन, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बोलो, एफ किस पर जाए जीरो प्लस जीरो जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और वन अपॉन एक्स टी की पावर वन अपॉन एक्स, फलन तो ये है क्यों बराबर नहीं जीरो पे, बड़े और छोटे दोनों पर इसी का उपयोग करते हैं, अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू तो जीरो और x लेके गया जीरो माइनस एच तो e की पावर वन अपॉन x लेके गया जीरो माइनस एच, नीचे भी आ जाएगा e की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, जीरो माइनस एच का हो जाएगा माइनस एच, एक बटा माइनस एच का मतलब क्या लिख सकते हो आप, माइनस एक बटा एच भी तो लिख सकते हो ऐसे, इसको वन प्लस ई की पावर माइनस एक बटा, अब एच की जगह जीरो रख दिया तो क्या होगा, ई की पावर एक बटा जीरो क्या होगा अनंत इनफाइनेट तो माइनस इनफाइनेट, ये भी वन अपॉन माइनस क्यों रख दिया, अब मैंने क्यों रख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मैं पहले बताया था गड़बड़ हो गई थी, इसलिए रखा था कि ई की पावर माइनस अनंत तो क्या हो जाता है जीरो, वन प्लस आया ना कितना जाएगा वन जीरो प्लस वन प्लस जीरो कितना जाएगा वन जीरो पॉइंट वन क्या हो जाएगा जीरो, ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत, देखो अब आ जाते हैं अपन आगे, अब बिंदु एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगी, एफ जीरो जीरो पर कितनी वैल्यू जीरो, अब देखो यहां हियर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन फलन का मान इसके तो बराबर है, ये जीरो ये भी जीरो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर जीरो पर संतत नहीं है, ठीक है, सांतत्यता का परीक्षण करना है, ठीक है, क्वेश्चन यही था शायद सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, संतत नहीं है पर संतत या चुकुबरी संतत नहीं है, क्वेश्चन ये सिद्ध करना है, प्रदर्शित है तो नहीं है इस डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा तो थोड़ी आया ना लिख देंगे आप इसके बाद काफी बात समझ में ठीक है और क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था बाकी समझ में आ गया होगा आपको अपन को याद रखना e की पावर माइनस अनंत बनाना होगा अगर बन गया रहा है तो ठीक है नहीं तो अंश और हर में भाग दे दो उसी e की पावर अनंत वाले ठीक है ऐसा और भी कुछ आएंगे ध्यान रखना फलन ये दे दिया x एक से छोटा एक से छोटा एक या एक से छोटा होगा तो इसको लेंगे x का मान दो से छोटा एक और एक से बड़ा होगा तो ये लेंगे x का मान दो से बड़ा होगा तो ये लेंगे अरे बात समझे इसमें भी ये यहाँ ये बराबर तो ये ले लेंगे कि बिंदु x बराबर दो पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए संतत है यानी x बराबर दो पे रहता है तो देखो सबसे पहले इधर आ जाओ राइट हैंड लिमिट इस पर दो पर तो दो प्लस जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू दो प्लस ठीक है दो से बड़ा ठीक है दो से बड़ा
ये लेना एक्स का मान छोटा है दोस्तों, एक्स बड़ा है दोस्तों, इसको ठीक है एक्स क्यूब अपॉन चार। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू जीरो, एक्स की जगह क्या रखेंगे दो प्लस एच का क्यूब बटा चार, एच की जगह जीरो है तो दो प्लस जीरो बटा चार, इसकी बात होती है। अब दो प्लस जीरो दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ बटा चार, चार दूनी आठ, तो कितनी आ गई राइट हैंड लिमिट दो, ठीक है समझ आ रही होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, एफ दो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू दो माइनस दो से छोटा, एक्स का मान दो से छोटी है, एक्स आएगा अपन, ठीक है क्या करेंगे इक्वेशन, लिमिट एक्स टेंस टू तो जीरो, एक्स की जगह क्या रखेंगे दो माइनस एच, एच की जगह क्या रखेंगे जीरो, दो माइनस जीरो कितना आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व हो गए, दोनों वास्तविक उत्तर आ गए, दोनों बराबर आ गए। अब क्या लिखेंगे, एक्स बराबर दो पर फलन का मान, फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स जीरो, कैसे लिखते हैं एफ दो लिखते हैं, ठीक है दो बराबर है इस पर, इससे भी दिया रख दो इसके अंदर दो की घात तीन बटा चार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ बटा चार, चार दूनी आठ, ठीक है यहाँ ठीक है तीनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फलन की दो पर मान, जो फंक्शन है टू सब बराबर है, अतः बिंदु एक्स बराबर दो पर फलन क्या होगा समतल, thus function fx is continuous at x is equal to 2, is that clear, ये आगे बात समझ में चलिए हो गए टोटल का। अगला एग्जांपल आ जाते हैं, कौन सा है अगला, ये फंक्शन दे दिया sin x बटा x plus cos x बराबर नहीं जीरो पर, छोटे और बड़े पर दोनों पे ये लेना है x बराबर जीरो पर क्या है दो है फंक्शन का मान, कि बिंदु x बराबर दो पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, वही कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है तो लिखो सबसे पहले वही राइट हैंड लिमिट किस पे, जीरो पर ये क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पर दे रखा है, नहीं भी कहता नीचे तो जीरो प्लस जीरो करके निकालनी पड़ती, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे ले गई जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट, जीरो से बड़ा होगा छोटा फलन तो क्या आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंस टू तो जीरो, एक्स के लिए क्या आएगा जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच प्लस कॉस जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच कितना हो जाता है एच और ये नीचे एच प्लस कॉस एच, याद करो साइन एक्स बटा एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे कितना होता है वन, तो इसके लिए उत्तर आ गया वन, कॉस एक्स का होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर एच होता है एक्स के लिए कर रहा है वन, और वन कितना आ गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई टू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, फंक्शन तो वही आया बराबर नहीं वाले पर क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है एक्स की जगह क्या है जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस, ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच का होता है माइनस एच अपॉन माइनस एच प्लस कॉस, देखो साइन माइनस को खा नहीं पाता, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस कहा जाता है बाहर साइन की स्थिति जब और कॉस माइनस को खा जाता है, ये तो कर दिया वही साइन एच बटा एच एच टेंस टू जीरो पर वन कॉस एच एच टेंस टू जीरो पर क्या रहा है दोनों बराबर गई, ठीक है अब एच बराबर जीरो पर फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे क्या निकलेगी एफ जीरो, जीरो लिखते पर जीरो पर लिखना है
यहाँ तीनों बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी में सब पर टू है, टू 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 हाँ यार तीनों बराबर है। अच्छा क्या हो जाएगा फलन बिंदु x बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा समतल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू टू, इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। अब काफी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से कर भी सकते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला वाला, कुछ एग्जाम्पल बचे हैं उसको ध्यान से करिएगा, ठीक है।